हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक यही है कि और आपको जो हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें अपने व्यू कमेंट जरूर करिएगा और अपनी जो भी आपकी व्यू हो, विचार हो, कोई भी हो, हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा विषय यही है कि जो कोई स्टूडेंट हो या कोई भी चाइल्ड हो जो कि 0 से 18 साल, मतलब 1 साल से 18 साल का बच्चा, 0 मैंने इसलिए कहा कि 9 महीने का भी हो सकता है, तो कोई भी बच्चा हो, किसी भी कारण से पीड़ित हो, मान लो वो बच्चा कहीं मंदिर के आगे भीख मांग रहा हो और उसके माँ बाप ही भीख मंगवा रहे हों, या कहीं स्कूल या कॉलेज में से कोई रैगिंग हो रही हो, या मतलब उसका टीचर हैरेस कर रहा हो या बिना बात को तो पीट रहा हो, या कुछ भी ऐसी वारदात आपको दिखाई दे, कुछ भी जिसके कारण 18 साल तक का जो भी लड़का या लड़की या ट्रांसजेंडर ही है, तो वो भी ट्रांसजेंडर आप समझते ही होंगे, हिजड़ा, तो यदि वो भी सताया जा रहा है तो आप क्या करें? आप 1098 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये मतलब 10 ये जो 98 है ये पूरे भारत देश की है, वो नज़दीकी जो आपका मतलब ज़िला पड़ता है वहाँ तक आपकी कॉल पहुँचा देते हैं और आप पहले केस को रजिस्टर कर लेते हैं और फिर अपनी जो टीम है वहाँ उनको भेज देते हैं। और क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे कोई भीख मांग रहा हो तो उनको गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाना, तो ये पढ़ा देते हैं, मतलब पढ़ाने के लिए एडमिशन की जो प्रोसीजर होती है, या कोई किसी को बैगर मतलब भीख मतलब किस गलत कारण से बनवाया करवाया जा रहा हो, कोई और करवा रहा हो, तो कोर्ट केस में यदि मतलब उसकी कोर्ट की कोई हेल्प चाहिए हो तो वो भी इसमें की जाती है। मान लो पुलिस भी इसमें इंक्लूड है गलत काम में, तो कोर्ट से तो ऊपर कोई नहीं हो सकता। और कोर्ट एक ऐसी मतलब संस्था है, मतलब कोर्ट एक ऐसा मतलब अपना न्याय सिस्टम है कि वहाँ अधिकार मिलता ही है, और स्पेशली एक बच्चे को जो 18 साल तक का है, तो वो तो उसकी जो मतलब पोस्को एक्ट के अंदर ज़्यादा ही सुनी जाती है, उसके जो बयान होते हैं वो सच्चे ही माने जाते हैं। तो आप मतलब वहाँ जो वो टीम है वो पहुँच जाएगी, आप 1098 पे कॉल करेंगे, तो आप मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आप उनको सिर्फ अपने वो जगह के बारे में बता दीजिएगा और वारदात के बारे में बता दीजिएगा, वहाँ वो टीम पहुँचकर उस बच्चे की हेल्प कर देगी। मान लो उसके बच्चे से उसके माँ बाप ही भीख मंगवा रहे हैं तो वो उसके माँ बाप को भी समझाएंगे और कुछ उनको भी हेल्प कर देंगे और कुछ बच्चे को भी हेल्प कर देंगे, जिससे वो बच्चा पढ़ पाए और साथ के साथ अपना रोजगार के लिए कोई काम कर पाए। और उसमें यदि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती या मतलब उसको किसी भी तरीके की स्कूल में प्रॉब्लम होती है या सो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, या उसको मोलेस्ट किया जाता है, हैरिस किया जाता है, तो वो समय समय पर कॉल कर सकता है 1098 से। और एक और बात, वो फ्री लीगल एड में जाकर, हर जिले में एक फ्री लीगल एड होता है, तो वहाँ उनको मुफ्त सहायता दी जाती है और बड़े से बड़े वकील की सहायता उनको मिलती है और उस पर उनको कोई पैसे भी नहीं लिए जाते, सारी सेवा उनकी तरफ से की जाती है। पुलिस से कंप्लेन भी कराना, और पुलिस यदि कुछ इसमें गलत करे, मान लो कि केस में FIR ना करे या पैसे खाकर बच्चे को हिस्साए, तो बच्चा अपनी पूरी बात बता के बता सकता है कि पुलिस भी इसमें मिली हुई है, तो कोर्ट से डायरेक्शन ले सकता है, पूरी एक जांच पड़ताल की, पूरी एक सहायता की उससे अपील कर सकता है और उसे जरूर वो मिलेगी सहायता भी। अब जैसे कि देख रहे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड यूथ लिविंग अलोन ऑन द स्ट्रीट, चाइल्ड लेबर, यदि कहीं बच्चे से काम करवाया जा रहा है जो कि 18 साल से कम है, उसकी भी सहायता की जाती है। डोमेस्टिक हेल्प, स्पेशली गर्ल डोमेस्टिक्स, मतलब कभी कभार घर में एक भेदभाव होता है एक लड़की के साथ, उसके रंग को लेके, या वो लड़की है या वो उसको पागल समझा जाता है, कुछ भी, व्हाटएवर, कहीं के घरों में एक लड़की का ओहदा बहुत कम होता है, चाहे वो कितनी होशियार क्यों ना हो। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो बहुत होशियार थी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, फिर भी उनके अपने घर में वैल्यू नहीं थी, तो वो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक हेल्प ले सकती हैं, चाहे उसके अपने पिता के विरुद्ध भी, अपने दादा दादी के विरुद्ध भी, या अपने भाई बहन के विरुद्ध भी, जो वहाँ जहाँ से वो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही हो, तो वहाँ वो टीम पहुँच के उसकी हेल्प करेगी और उचित से उचित उसके लिए कोई उपचार करेगी, ताकि उसको दोबारा से ये प्रॉब्लम ना सफर करना पड़े। और यदि स्कूल में टीचर उसको हैरेस करता हो कि अटेंडेंस में तभी लगाऊंगा जब तुम्हें एडजस्ट करेगी, एडजस्ट का मतलब आप समझ ही सकते होंगे कौन सा एडजस्ट होता है, गलती एडजस्ट होता है, तो यदि किस तरह भी मोलेस्ट करे तो वो उसमें हेल्प करेगी। चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल अब्यूज इन फैमिली, स्कूल और इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह से फिजिकल या सेक्सुअल, फिजिकल आप समझते ही होंगे मतलब हाथ से, सेक्सुअल कैसे हो सकता है, हाथ से भी हो सकता है, वर्बली भी कर सकता है बच्चे के साथ
वायलेंस हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है कि मान लो उसके रंग पे करना, ये तो लंगड़ी है, ये किस तरह भी उसको सताया जा रहा हो तो उसको हेल्प दी जाती है। और ये जिसके बाद उसको नहीं पसंद करते, नहीं रखना चाहते, तो कहीं ना कहीं उसका और प्रबंध कर दिया जाता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है और वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है SBSE की। यदि वो बच्चा वहाँ भी इसका एडमिशन हो जाए तो 12th तक की तो आपकी शिक्षा वैसे ही फ्री हो जाएगी और फिर बाद में आप खुद भी कमा सकते हैं। तो ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, फ्री लीगल एड, और यदि आप स्कूल में सताए जा रहे हों तो UGC में भी आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। इन बिटवीन किसी और के साथ रैगिंग हो या मोलेस्ट हो रहा हो तो वो केस आपके जरिए दूसरों को भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए मौका मिल जाएगा। आपका केस देख के पिछला कि हाँ भाई इस लड़की के साथ भी हुआ था, तो इस स्कूल में ही हुआ था, इस कॉलेज में ही हुआ था, तो हाँ हम मतलब ये इंस्टीट्यूट ऐसा ही है, इसके मतलब कारनामों के बारे में पता चल जाएगा। तो अपना केस जरूर रजिस्टर करिएगा UGC में। UGC जो होता है वो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन सभी के लिए लागू हो, पर प्राइवेट के लिए लागू नहीं होता। तो जहाँ भी ऐसे आप कहीं केस देखें कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है स्कूल कॉलेज में, तो आप UGC की जो साइट है आपको मैं दिखा देती हूँ, वैसे एंटी रैगिंग के नाम से आपको मिल जाएगा ये इस साइट में मिल जाएगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा फाइल ऑनलाइन, ये तो एफिडेविट है, इसके ऊपर मैंने एक लिंक भी बना रखा है, ये रहा UGC की जो साइट है, जैसे कि ये रैगिंग के ऊपर है, रैगिंग के ऊपर से आप इसमें वो भी कर सकते हैं अपना केस जो आपके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा हो, यहाँ आप अपना केस रजिस्टर भी कर सकते हैं और रजिस्टर इन सेंस ईमेल कर सकते हैं, पर रजिस्टर करने के लिए आपको उसकी पुलिस में जाना पड़ेगा। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी तो आप वहाँ अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। UPG पोर्टल है, यहाँ भी अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं, पर मुख्य तौर पर सही यही रहेगा कि आप इसको अच्छी तरह से रजिस्टर करिएगा। तो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगी। अभी इस वीडियो के दौरान सिर्फ मैं आपको चाइल्ड की हेल्प बता रही हूँ, तो उसमें इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, पर आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है तो आप समझ जाइएगा। ओके, अब ये आता है चाइल्ड विक्टम, चिल्ड्रन ऑफ कमर्शियल सेक्स वर्कर्स। जो सेक्स वर्कर्स आप समझ सकते होंगे कि किसी लड़की या किसी लड़के को भी गलत काम धंधे में, ये जो देह व्यापार होता है उसमें फंसाने की कोशिश की जाए, तो वहाँ भी बच्चा अपनी 1098 पे कॉल करके या उसके माध्यम से कोई भी बंदा, जैसे कि मान लो मैं ही करना चाहूँ किसी बच्चे के लिए कॉल, बताना चाहूँ कि यहाँ ये वारदात हो रही है, तो वहाँ वो टीम आके उसकी हेल्प कर देगी। तो जरूरी नहीं कि बच्चा ही कॉल करे, उसके लिए कोई भी कॉल कर सकता है, कोई भी संपर्क कर सकता है। ओके, चाइल्ड विक्टिम ऑफ फ्लैश ट्रेड। फ्लैश ट्रेड मतलब उसकी जो वो होता है मांस, जो उसके देह का जो मांस होता है, कहीं कहीं जगह इसका भी व्यापार होता है, जैसे कि किसी लड़की के ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट के भी कहीं कहीं जगह वो होता है, मतलब व्यापार होता है। देखिए आप फ्लैश का मतलब समझ, देखिए आ ही गया है। तो उसकी जो देह होती है उसको भी कहीं कहीं जगह बेचा जाता है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यदि कहीं बच्चा ट्रैफिकिंग में फंस गया हो तो उसके लिए भी। चाइल्ड अबैंडेंट बाय पेरेंट्स या गार्डियन, जो चाइल्ड है यदि मतलब जैसे कि आप देख ही रहे हैं गुम हो गया है या मतलब कुछ भी ऐसी बात है, तो भी आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। और मिसिंग चिल्ड्रन, यदि कोई मिसिंग चिल्ड्रन, जैसे मैं कहता था रन अवे चिल्ड्रन, घर से भाग गया और बच्चा उसे समझ नहीं आ रहा हो क्या करें, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि बच्चा घर से भागा है लेकिन परेशान है, शायद इसकी ही गलती हो या इसके माँ बाप की गलती हो, फिर भी आप एक बार उनके लिए कॉल कर दीजिएगा कि कहीं बच्चा वो घर से तो भाग जाए पर बाद में वो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए, तो कम से कम एक सुरक्षित टीम उसको चाहे अपने साथ ले जाए, इसके माँ बाप के पास छोड़े, वो उससे बच्चे से पूछ लिया जाएगा कि क्या किया जाए, लेकिन एक सुरक्षित हाथ में पहुंच जाएगा। तो आप टीम को संपर्क कर लीजिएगा 1098 के माध्यम से। ओके, चिल्ड्रन हु आर विक्टिम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज क्या होते हैं? ये वो अब्यूज होते हैं जिसमें मतलब बच्चे को सब्सटेंस अब्यूज, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रग्स वगैरह कुछ होता है। हाँ देखिए, ड्रग अब्यूज मतलब किस उसको हार्मफुल तरीके से ड्रग एडिक्ट बनाना, तो जो कि गलत है, तो ये इसके लिए भी आप कर सकते हैं। मान लो कोई ड्रग्स बेचे जा रहे हैं या बच्चों को गलत आदत लगाई जा रही है ड्रग्स की, तो वहाँ भी आप टीम को संपर्क कर सकते हैं। या कोई बच्चा
डिसेबल हो और उसके हेल्प की जरूरत हो, उसकी एडमिशन ना हो पा रहा हो या उसको स्कॉलरशिप ना मिल पा रही हो या उसके रंग भेद के कारण या उसकी डिसेबिलिटी के कारण उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, उसको मेंटली वो डिप्रेशन में जा चुका हो या डिप्रेस होने की फर्स्ट स्टेज पे हो या दुखी हो किसी कारण से भी, तब अब भी आप टीम को संपर्क कर सकते हैं। उसको टीम कम से कम यदि ज़्यादा बच्चा दुखी ना, कम से कम उसको मोटिवेट करेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या 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 फ़ायदा है डिसेबल होने का भी, क्योंकि कहीं कहीं जॉब तो डिसेबल के लिए ही निकलती हैं बड़ी बड़ी पोस्ट, जिस हम जैसे कि चाहे कितनी काबिलियत रखते हैं हम वो जॉब अप्लाई नहीं कर पाते, नहीं पा पाते, क्योंकि वो मतलब स्पेशली उसमें वैकेंसी दी गई होती है कि एक जो जॉब है वो डिसेबल के लिए ही रहेगी। और कभी कभार हमारी जॉब हमने वो डिग्री की भी होती है लेकिन हमें नहीं मिलती, वो डिसेबल को मिल जाती है। तो डिसेबल होने के भी कभी कभार क्या होता है, किसी को फायदा हो जाता है, मान लो किसी के पैर में थोड़ी मोट डिसेबिलिटी हो पैर में या आँख में, तो उसके कारण भी उसको जॉब मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी फायदा है, एक प्रकार से उसको मोटिवेशन दिया जाता है इस टीम के द्वारा, कुछ ना कुछ माध्यम के द्वारा कानूनी सहायता दी जाती है, कुछ ज्ञान भी दिया जाता है। ओके, चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, कॉन्फ्लिक्ट आप समझते ही होंगे जो झगड़े होते हैं, तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट सब यूज किया जाता है। तो इसमें जैसे कि घर के भी पारिवारिक मुद्दे, कोई सा भी मुद्दा हो उसके लिए भी उसको चिल्ड्रन को सहायता दी जाती है। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं कोई प्रॉब्लम हो उसमें भी दी जाती है, ये बच्चा कोई पागल हो या कम समझ आता हो, उसको किस तरह हैरेस किया जाता हो, परेशान किया जा रहा हो उस बच्चे को, तो भी वो बच्चा या उसका माध्यम बन के कोई पर्सन भी उसके लिए कॉल करके हेल्प मांग सकता है। यदि कोई बच्चा HIV या एड्स से पीड़ित हो तो उसके लिए भी ये टीम हेल्प करेगी। चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर, डिजास्टर आप समझते ही होंगे कि बहुत सारे तरह के डिजास्टर होते हैं, चाहे भूकंप हो चाहे अकाल हो, तो भी एक बच्चे की हेल्प की जाएगी टीम के द्वारा। ओके, चाइल्ड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज, जो ये बाहर के बच्चे हो, मतलब बाहर के जो रिफ्यूजी होते हैं, रिफ्यूजी आप समझते होंगे कि जो ठीक है, तो उनकी भी हेल्प की जाएगी। चिल्ड्रन हुज फैमिली आर इन क्राइसिस, मान लो क्राइसिस में कैसे है, मान लो उसके बाप बैंकरप्ट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है माँ बाप, एंड बच्चा क्या करे, अब उसकी शिक्षा बंद हो जाएगी, तो वहाँ भी या बच्चे को उसकी शादी नहीं हो पा रही किसी, मतलब बच्चे की चलती शादी तो कहाँ ही होगी 18 साल में, लेकिन हाँ शिक्षा हुआ, घर रहने का, रोजगार का तो नहीं, रहने का, खाने पीने का, मेडिकल का, हाँ वो ये टीम सहायता जरूर करेगी। तो आप उस टीम को संपर्क कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपकी पक्का हेल्प करेगी। और फ्री लीगल एड वाले भी हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिनके कारण आप अपने आप को अकेला ना समझिए, बस एक ज्ञान की जरूरत है, वो आपके पास हो तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी सहायता कर सकते हैं, ये दूसरे की सहायता आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ यदि आपको कोई बच्चा ऐसा दिखाई दे जो किसी भी तरीके से पीड़ित है, चाहे आपको डाउट ही है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं ड्यूटी, क्योंकि आप कम कभी आपका वो डाउट सच्चा हो और बच्चे को सच्ची में जरूरत हो तो आप हमसे हम टीम की हेल्प ले सकते हैं। टीम आपको कोई कुछ नहीं कहेगी कि आपने क्यों कॉल कर दिया, आपको लगा था और आपने ऐसे ही कॉल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कहेगी, वो आपकी पक्का हेल्प करेगी। एंड हम भी कभी कभी टीम से पूछ लेते हैं फ़ोन करके कि क्या हम कर सकते हैं हेल्प, क्या नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो टीम कुछ बोलेगी इस बारे में, वो आपकी पक्का हेल्प करेगी। ओके, इस तरह की जो और भी स्कीम्स हैं या कुछ भी हैं, आप जैसे कि वुमेन हेल्पलाइन या कुछ भी है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आप जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो ये आप इस तरह की जानकारी आप नेट से उपलब्ध कर सकते हैं अपने लिए भी। और जो बच्चे की मैंने आपको हेल्प के लिए बताया है, तो आपको भी देखिए बच्चा दुखी लगे कभी भी तो आप उसकी जरूर हेल्प करिएगा, और आपको मेरा विषय कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको हमारे व्यू कैसे लगे, टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिएगा। और ऐसी ऐसी वीडियो, तमाम वीडियो हम ऐसे बनाते रहते हैं जो कि नॉलेज वाली हो, कि जैसे कि वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड कैसे करें, तो ये हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और हमें अपने व्यू हमें बताते रहिएगा। और आपकी कोई डिमांड हो, किसी विषय में आप जानना चाहते हो, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमें बताइएगा। और कोशिश करिएगा कि आपके जो व्यू हैं
वो हमारे साथ समय समय पर साझा होते रहें, ताकि हमें समझ आता रहे कि आपको हमारे टॉपिक कितना अच्छा लगा।